So today we are going to discuss the topic structural organization in animals. Yesterday की class में हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या पढ़ रहे थे different type of animal tissue like epithelium tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So already we have discussed in previous classes the epithelium tissue. Type of epithelium tissue and the types of connective tissue. So today we are going to discuss the muscular tissue. Connective tissue already over. So I asked you some questions from the connective tissue and skeletal. Sorry, your epithelium tissue. तो सभी को स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर. Nation NEET 2021 M for AIIMS 2021. तो So, रेडी हो जाइए. चार क्वेश्चंस, चार सवाल पूछूंगा, उसका आंसर मुझे बताइएगा, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे. ठीक है? सो क्वेश्चंस है, व्हाट आर गोबलेट सेल्स? गोबलेट सेल्स क्या होते हैं? What are goblet cells? And what is the function of goblet cells? Same answer. Goblet cells are gas producing cell. Goblet cells को कौन सा producing cell मानते हैं हम लोग? Always remember it. The answer is goblet cells are mucus producing cell. क्या है बेटा? Mucus producing cell है. Note कर लो. Important question sir. Next, the cell of epithelial tissue are dense-packed with dense intercellular matrix. The cell of epithelial tissue are dense-packed with dense intercellular matrix. Highly compactly packed with little intercellular matrix. Is it clear? Very good. Next, can you tell me, give two example of exocrine gland, not endocrine, only exocrine gland, I asked you. ओके और सेलिवरी ग्लैंड होगा कि नहीं? सेलिवरी ग्लैंड होगा कि नहीं? होगा सर. होगा. वेरी गुड. चलो वेरी गुड. सेलिवरी ग्लैंड हो सकता है, सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड हो सकता है. दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन. वेरी गुड. पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, ये सब क्या हो सकता है? एंडोक्राइन ग्लैंड. क्या होगा बेटा? अंडर एंडोक्राइन. मामरी ग्लैंड क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, मामरी ग्लैंड, ये सब क्या होगा? एक्सोक्राइन होगा. क्या होगा? एक्सोक्राइन होगा. वेरी गुड. सो आज के टॉपिक में हम लोग चलते हैं आगे. क्या क्या है? मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज डिस्कशन करेंगे.
So today we are going to discuss about the muscular tissue. Muscles tissue. Okay, very good. So now, can you tell me what is the major function of the muscular tissue or muscles tissue? Anybody tell me about the muscles tissue? आप पिक्चर में डायग्राम में देख सकते हैं कहां कहां आपको मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा. यू नो दैट वेरी वेल. ओके, जितने भी एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट्स होते हैं वहां पे स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है. और उसी स्केलेटल सिस्टम इज मेड बाय बोथ द बोन्स एंड मसल्स. बोन्स एंड मसल्स दोनों मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनता है ताकि बॉडी ऑर्गेनिजम्स जो भी एनिमल्स जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लोकोमोशन करने में मूवमेंट्स करने में मदद करता है. ठीक है. सो ये जो मस्कुलर टिश्यू है यहाँ पे आपको ज्यादा करके मसल्स देखने को मिलेगा. यू नो दैट ह्यूमन में टोटल 206 बोन्स होते हैं तो लगभग 735 के आसपास मसल्स होते हैं. ठीक है. तो मसल्स आर मेनली मेड अप बाय मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर लाइक सेल्स. मसल्स कैसे बना होता है? मेनी लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे सिलिंड्रिकल टाइप का मसल्स फाइबर से मसल्स बना हुआ होता है. उसको क्या कहते हैं? मसल्स फाइबर्स कहते हैं. सिलिंड्रिकल होता है, सभी को पता है ना जी. मसल्स फाइबर्स कैसे होते हैं हम लोग आगे की ओर देखेंगे कैसे होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूं मसल्स फाइबर्स. देखो यहाँ पे ऐसे होगा, आपको ऐसे एलंगेटेड होगा, ऐसे सिलिंड्रिकल होगा, ऐसे सिलिंड्रिकल. दिस आर द मसल्स फाइबर्स. दिस आर द मसल्स फाइबर्स. ये एक एक क्या है? मसल्स फाइबर्स है. दिस ऑल आर द मसल्स फाइबर्स. ठीक है. सो मसल्स फाइबर्स जो होता है एक सीट ऑफ बंडल्स में प्रेजेंट होता है. और माननीय जनता की गोल 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 चौक थी, इसे चौक के ठोका भीतरे बोरी चौक हेंता. मसल्स फाइबर्स माने हेंता सिलिंड्रिकल एलंगेटेड लंबा 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 एकरी बंडल 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 एकरी थी. और से बंडल के हमें कहसो मायोफाइब्रिल्स कहसो. क्या कहसो? मायोफाइब्रिल्स कहसो किंबा से ताके सैक्रोप्लाज्म्स भी हमें कहसो. ठीक है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द दिस मसल्स और मसल्स फाइबर्स? तो इसका क्या है बेटा? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का काम करता है. क्या करता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेटा? ड्यूरिंग द कार्डियक एक्टिविटी जब होता है तो उस समय क्या होता है? हार्ट को लप डप लप डप लप डप कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ना. आर्टरी कंट्रैक्शन करेगा, रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ये करने में मदद करता है. इसीलिए बोलते हैं कंट्रैक्टाइल मसल्स भी कहते हैं. मसल्स इलास्टिसिटी करने में भी मदद करेगा, कंट्रैक्शन करने में, रिलैक्सेशन करने में मदद करेगा. ठीक है. आप अपने आप को स्ट्रेच करने में, खींचने में, इसे स्ट्रेच करने में, ये करने में, जैसे आजकल तुम ऐसे कुर्ता पेंट खिले कैंता सेटअप पिंदू छो कैंता टाकि स्ट्रेचेबल वाला. क्या वाला को? स्ट्रेचेबल वाला बोल सके जी? अरे ये सर नो स्ट्रेचेबल वाला क्या होता है? यस सर. ठीक है. ऐसे आपका मसल्स जाम. यस. अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी द मसल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. The muscles can be broadly three types. तो देखते हैं
मसल्स क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, लिखो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द मसल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू थ्री टाइप्स। नोट करो, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, क्या क्या होता है रे, तीन प्रकार के मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, वेरी गुड। सो बेटा देखो ये डायग्राम पे देखो, अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये एक एक ये वाला क्या है, मसल्स फाइबर्स है, दिस इज ऑल्सो मसल्स फाइबर्स, दिस इज ऑल्सो मसल्स फाइबर्स। इसके बीच में देखो बहुत सारे ये सिलिंड्रिकल वाला है, देखो ये क्या है, मसल्स फाइबर्स, इसको क्या कहते हैं रे, मसल्स फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायग्राम सभी को दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर। और इसी की जो एक एक बाउंड्री लेयर है, इसी को मायोफाइब्रिल्स कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, ठीक है। एंड ये टोटल बंडल जो है इसको सैक्रोप्लाज्म कह सकते हैं। सो द टिश्यू मेड अप मेनी मसल्स फाइबर इज कॉल्ड मसल सेल्स, एंड मसल्स फाइबर्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफाइब्रस फाइब्रिल्स। तो मसल्स फाइबर्स जो होता है मायोफाइब्रिल्स से बना हुआ होता है, एंड मसल्स फाइबर्स क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है तब छोटा हो जाता है, रिलैक्स करता है तब लंबा हो जाता है। मसल्स टेक ए पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इट इज हाईली एसेंशियल एंड इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मसल्स के लिए आप मूवमेंट्स और लोकोमोशन कर पाते हैं, चाहे वो बाइसेप की मसल्स हो, लेग की मसल्स हो, कार्डियक मसल्स हो, स्मूथ मसल्स हो या स्केलेटल मसल्स हो, कोई भी मसल्स हो, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मसल्स, मैंने कितने टाइप्स की मसल्स आपको पढ़ने हैं, पढ़ेंगे बोला बेटा, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, वन इज द स्केलेटल मसल्स, अदर वन इज द स्मूथ मसल्स, अदर वन इज द कार्डियक मसल्स। एक्चुअली द मसल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स होता है, वन इज द वॉलंटरी मसल्स, अदर वन इज द नॉन वॉलंटरी मसल्स। इज इट क्लियर तेजेश्वर बाबू, मैंने क्या बोला बेटा, मसल्स कितने प्रकार के होते हैं आकाश बाबू, दो टाइप्स का होते हैं, है ना प्रतीक जी, टू टाइप्स का, क्या क्या होते हैं, एक वॉलंटरी मसल्स, दूसरा होता है इनवॉलंटरी। अरे वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या कहते हैं पुरंदर बाबू, जोगेश्वर बाबू, क्या कहते हैं वॉलंटरी इनवॉलंटरी? वॉलंटरी मसल्स वो होता है बेटा जिसको हम चाहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो कंट्रोल कर सकता है। अनवॉलंटरी मसल्स और नॉन वॉलंटरी मसल्स क्या है, जिसको हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते उसको अनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। अरे सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, करिश्मा जी, रितिका जी? हाँ सर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे हम लोग और दो कंसेप्ट पूछेंगे, यहाँ पे मेडिकल में क्वेश्चन आएगा, स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। तो पहला स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो होता है बेटा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, स्केलेटल मसल्स जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है रे, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बायसेप ट्राइसेप में आपको देखने को मिलेगा, ये बायसेप और ट्राइसेप, इसमें आपको स्केलेटल मसल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस स्केलेटल मसल्स के अंदर देखोगे तो बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बीच बीच में, और अंदर क्या होगा, बेंड मार्क होगा, स्ट्रेस मार्क होगा, क्या होगा, स्ट्रेस मार्क, आई बेंड, एच बेंड, सब होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस मार्क, गार 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 स्पॉट थी।
जिन मसल्स रे गारगार गारगार स्क्रेच मारथिबा ताकि आमे कोन कोइ थाऊ अरे कोन कोइ थाऊ स्ट्रिएटेड मसल्स कोइ थाऊ कोन कोइ थाऊ स्ट्रिएटेड मसल्स कोइ थाऊ आउ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स और दिस मसल्स इज कॉल्ड वोलंटरी मसल्स। वोलंटरी मसल्स मतलब क्यों हमने कहा बेटा तुम्हें मानिनिय डांस करूछो नाचुछो नाचुछो मुई कहली ए तुम्हार बापा मां आसुछन पीट रे पुता के भागो कोले कोले तुम्हें सब कोले कोले चुप हे गलो तुम्हें जन नाचुथलो डेगुथलो मूवमेंट करूथलो संगे संग कंट्रोल करी पालो कि नहीं तुम्हार हाथ घोड़ के चुप हेलो कि नहीं तुम खाऊ खाऊ पीऊ है चिकेन बिरयानी खाऊ वैदिक कॉलेज रे जनता की सेना चिकेन बिरयानी मोना नॉन वेज मोना फुली डेली खाव भाजी साग भेजी वेजिटेबल मानिन्य सेन पिला मैंने नॉन वेज खावा लगे छटपटे जो थे मानिन्य सेन क्लासरूम ढोकी कर पिला मैंने नॉन वेज पेलुछन ठीक टाइम के चेयरमैन ढोकी आला मास्टर आला वार्डन आला दौड़तेल दौड़तेल पीले चेयरमैन आला नरे पुता के ठोकवा धरी करी चिकेन सब लुको संगे संग चिकेन लुके दल तमर से हाथ काम खोला कि नहीं तुम चिकेन लुकाबार इडा का वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। यहाँ पे जो मसल्स इंपोर्टेंट रोल प्ले किया इसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। सो स्केलेटल मसल्स क्या है, पहला स्ट्रिएटेड मसल्स है, दूसरा क्या है वॉलंटरी मसल्स है। क्या है वॉलंटरी मसल्स है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है बाइसेप ट्राइसेप, ठीक है। नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होता है बेटा, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होता है और विस्कुलर मसल। इसमें मसल्स के भीतर आपको न्यूक्लियस तो देखने को मिलेगा लेकिन बेंड मार्क और स्ट्रेच मार्क आपको देखने को मिलेगा नहीं, इसको स्मूथ और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। मैडम आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां क्लासरूम में चले जाए। तो नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स इसको हम लोग कहते हैं। सो कैन यू टेल मी, एक टेपरिंग एंड होता है, टेपरिंग एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा ये मसल्स और बीच में आपको ये न्यूक्लियस होगा ऐसे। सभी को दिख रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ? हाँ सभी को दिख रहा है, वेरी गुड। इट्स ओके। एक टेपरिंग एंड कहते हैं और इसको फ्यूशिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूशिफॉर्म कहते हैं। तो मैं आगाड़ू देख ले जनता और पोचाड़ू देख ले सेंता, चिकन चाकन लेग रे लेगा घाटी थे जल्दी पोका। सोनाक्षी सिन्हा के देखी छो तो पूरा आगाड़ू भी चिकन चाकन पोचाड़ू भी चिकन चाकन पूरा स्मूथ मसल्स के देखो पीले आगाड़ू और पोचाड़ू दुही आड़ू चिकन चाकन दिशा जेन गुटे भी गार धाक फाक नहीं थे सेटा हूँ स्मूथ मसल सेटा के कहसु नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। एटा हूँ voluntary की involuntary muscles को smooth टा involuntary muscles involuntary smooth muscles टा किन्नो present फिसे रे पीले को किन्नो फिसे smooth muscles ओइसोफेगस में होता है, stomach में होता है, internal organ blood vessels में होता है, urogenital tract में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होती है, ब्लड वेसल्स में होता है, थाइस में होता है। तो क्या है इनवॉलंटरी, जिसको हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सभी को समझ में आया ना दोस्तों? हाँ सर। ओके वेरी गुड। तेजेश्वर बाबू, गायत्री जी, ओके नेक्स्ट कम टू द पॉइंट द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को कंट्रैक्टाइल मसल्स कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हार्ट में प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स के अंदर भी क्या है? बेंड मार्क प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स। कार्डियक मसल्स कंट्रैक्टाइल मसल्स कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। अब मुझे बताओ इसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं या इनवॉलंटरी? वेरी गुड। इनवॉलंटरी कहते हैं क्योंकि हार्ट
को हम चाहते हुए भी स्टॉप नहीं कर सकते। आप हार्ट को बोल सकते हो क्या, ए हार्ट मेरा बॉडी में ब्लड घट गया यार, तू थोड़ा पंपिंग करना बंद कर देना 2 घंटा के लिए, बंद करेगा क्या? नहीं ना। जनता ठंडा मा से देखी छो राति सुई थी सो ब्लैंकेट उड़ी कि ना पुता के शीत गुरगुटाते लगोरु थी, ठीक टाइम रे 2 बजे आड़ के मुता लगसी उठी करी मुती जीवाल ले केड़े कोधरा लागुथि से टाइम थे क्या कोई देखबो तो ए किडनी तोते कल चॉकलेट देवी सकालु एछिन मुता नी लागनो गा मानसी के नहीं माने के बोले कान आईटा सब किडनी हार्ट सब कान हला इनवॉलंटरी ऑर्गन है। क्या है? इनवॉलंटरी ऑर्गन। तो इसमें जो मसल्स है इनवॉलंटरी मसल्स कहेंगे। सभी को समझ में आया आकाश बाबू? दिव्यांशु जी हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। जो कार्डियक मसल्स का काम क्या है बेटा, ये मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करेगा थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है? और जैसे कि हार्ट मसल्स पंपिंग करने में मदद करता है ताकि ब्लड जो होता है बॉडी पार्ट्स में अच्छे से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इज इट क्लियर? सो कार्डियक मसल्स आर मेनली कंपोज ऑफ ब्रांच फाइबर्स। इसमें जो मसल्स फाइबर होते हैं ब्रांच वाला मसल्स फाइबर्स होते हैं, नेटवर्क लाइक ज्वाइन हुए हुए होते हैं, ठीक है? और इसमें ज्यादा करके अगर देखेंगे तो कार्डियक मसल्स में जो मसल्स फाइबर्स होता है उसमें जो डेंसली स्टेन क्रॉस स्टेन कलर का जो बेंड होता है वो इंटरकेलेटेड डिक्स डिक्स डिस्कॉर्ड स्टेप साइड होता है, डिस्कॉर्ड शेप होता है, ठीक है? तो Now come to the point, what is the difference between skeletal, smooth and cardiac muscles? So skeletal muscles, beta, it occur in the limbs, body wall, face or neck. Likhoge kya thoda? Yes or no? Likhoge kya do point? Teen column banao, teen column, phatafat. Striated, non-striated cardiac muscles. Or likho skeletal, smooth or cardiac muscles. स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक मसल्स, तीन कॉलम बनाओ, बना लिए? जो जो बना लिए यस बोलो। यस आज आपको एक पंक्ति सुनाऊंगा, जल्दी बोलो। हो गया? हो गई? हाँ सर हो गई। अरे हो गया क्या? चलो लिखो। हाँ सर। स्केलेटल मसल्स पे शॉर्टकट पे लिखो, This type of muscles occurs in the limbs, body walls, face, neck. Occurs in the limbs, body wall, face, neck. Occurs in the limbs, body wall, face or neck. Comma bicep. स्मूथ मसल्स में देखो, अकर्स इन ओसोफेगस इंटेस्टाइन, ओसोफेगस इंटेस्टाइन, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इरिशोफाय, अकर्स इन ओसोफेगस यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इरिशोफाय, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कार्डियक मसल्स में लिखो, अकर्स इन द वॉल ऑफ हार्ट। कहां पे प्रेजेंट होता है? अकर्स इन द वॉल ऑफ हार्ट। अरे हुआ करिश्मा? हाँ सर। सेकंड पॉइंट लिखो, नोट करो। सेकंड पॉइंट लिखो, स्केलेटल मसल्स में सिलिंड्रिकल इन शेप। कौन सी शेप होता है? सिलिंड्रिकल इन शेप, नोट करो, सिलिंड्रिकल इन शेप। सेकेंड में लिखो, स्मूथ मसल्स जो होता है स्पिंडल शेप होता है, SPINDLE, स्पिंडल शेप। कार्डियक मसल्स में लिखो, सिलिंड्रिकल इन शेप। कार्डियक मसल्स क्या होता है? सिलिंड्रिकल इन शेप।
नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स में लिखो, न्यूक्लियस और पेरिफेरल, न्यूक्लियस और पेरिफेरल, जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और पेरिफेरल। स्मूथ मसल्स में लिखो, न्यूक्लियस इज सेंट्रल, न्यूक्लियस इज सेंट्रल, सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स में भी लिखो, न्यूक्लियस इन इज सेंट्रल, वहां पे भी सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स में लिखो, मल्टी न्यूक्लियट मसल्स फाइबर प्रेजेंट, स्केलेटल में मल्टी न्यूक्लियट मसल्स फाइबर प्रेजेंट, मल्टी न्यूक्लियट होता है मसल्स फाइबर में, मल्टी न्यूक्लियट होता है, मल्टी न्यूक्लियट प्रेजेंट इन मसल्स फाइबर्स। स्मूथ में लिखो, यूनि न्यूक्लियट प्रेजेंट इन मसल्स फाइबर्स, यूनि न्यूक्लियट सिंगल, यूनि न्यूक्लियट। कार्डियक में भी लिखो, यूनि न्यूक्लियट फाइबर्स प्रेजेंट इन मसल्स। नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स में लिखो, मायोफाइब्रिल्स शो लाइट एंड डार्क बैंड, मायोफाइब्रिल्स शो लाइट एंड डार्क बैंड, जो मसल्स फाइबर्स के भीतर मायोफाइब्रिल्स होता है वो लाइट और डार्क बैंड शो करता है। तो स्केलेटल में लिखो, मायोफाइब्रिल्स शो SHOW शो लाइट एंड डार्क बैंड, मायोफाइब्रिल्स शो लाइट एंड डार्क बैंड। स्मूथ मसल्स में लिखो, मायोफाइब्रिल्स आर विदाउट लाइट एंड डार्क बैंड, स्मूथ मसल्स में मायोफाइब्रिल्स आर विदाउट लाइट एंड डार्क बैंड, वहां पे लाइट और डार्क बैंड कुछ नहीं होता है। कार्डियक मसल्स में लिखो, मायोफाइब्रिल्स शो द लाइट एंड डार्क बैंड, कार्डियक मसल्स में भी मायोफाइब्रिल्स लाइट एंड डार्क बैंड को शो करता है, सिर्फ स्मूथ मसल्स में शो नहीं करता। सभी हो गया सभी का? अरे हो गया क्या? हो गई क्या सर? कार्डिया क्या क्या बोले? मायोफाइब्रिल सर, कार्डियक मसल्स में मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट लाइट एंड डार्क बैंड, मायोफाइब्रिल्स शो द लाइट एंड डार्क बैंड। अब स्केलेटल मसल्स में और लिखो, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, अनब्रांच होते हैं, लेकिन जो स्मूथ में भी ऑन ब्रांच होते हैं, बस कार्डियक मसल्स में ब्रांच होते हैं। तो लिखो, स्केलेटल मसल्स में फाइबर्स आर ऑन ब्रांच, जो फाइबर्स होते हैं ऑन ब्रांच होते हैं, ब्रांच नहीं होता है, फाइबर्स आर ऑन ब्रांच। स्मूथ मसल्स में भी लिखो, फाइबर्स आर ऑन ब्रांच, फाइबर्स आर ऑन ब्रांच स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स में लिखो, फाइबर्स आर ब्रांच, कार्डियक मसल्स में लिखो फाइबर्स जो होते हैं ब्रांच होते हैं। नेक्स्ट स्केलेटल और स्मूथ में लिखो, स्केलेटल और स्मूथ में इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर एब्सेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर एब्सेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है वो एब्सेंट होता है स्केलेटल और स्मूथ में, जबकि प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स में। तो इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, नोट कर लो। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है इंटरकैलेटेड डिस्क्स बोले का ना से जनता सेटा देखी छो डिस्कस थ्रो देखी छो डिस्कस थ्रो हां जनता शॉर्ट फुट थी से डिस्कस डिस्कस देखी छो पहले से कार्डियक मसल्स से कार्डियक मसल्स भीतर काना थीबा तुमके से कार्डियक मसल्स पढ़ाला बोले बे देखानी से भीतर काना थीबा तुमके से भीतर स्ट्रक्चर देखि मिलवानता देखो मैं बताऊ छे देखो डायग्राम देखो एंता एंता डिस्कोर शेप थीबा एंता इंटरकैलेटेड डिस्क्स कैसो एंता डिस्कोर शेप थीबा से मसल्स फाइबर इटा मसल्स है तार फाइबर्स भीतर एंता डिस्कोर शेप थीबा बुझु छ कि नै इटा इंटरकैलेटेड डिस्क्स बोलसो बुझलो हला। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो स्केलेटल मसल्स रे, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है,
वॉलंटरी इन एक्शन, वॉलंटरी इन एक्शन, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और स्मूथ और कार्डिक में लिखो इनवॉलंटरी इन एक्शन, इनवॉलंटरी इन एक्शन, इनवॉलंटरी इन एक्शन, इनवॉलंटरी इन एक्शन। हो गया कंप्लीट? ये देखो ये वाला डायग्राम देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसके बीच में देखो बेंड है, कुछ डार्क बेंड है, कुछ लाइट बेंड है, अल्टरनेट फॉर्म में, डार्क बेंड लाइट बेंड, डार्क बेंड लाइट बेंड। और इसका जो न्यूक्लियस है देखो ये पेरिफेरी में प्रेजेंट है, देखो पेरिफेरी में, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट इन द मसल्स फाइबर्स, बाइसेप में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स देखो, स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स में जैसे कि मैंने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा, या क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, यू नो दैट ए क्रॉस सेक्शन है, ये आउटर लेयर सेरोसा है, मस्कुलरिस है, सब म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है, चार लेयर होता है ना। तो स्मूथ मसल्स जो होता है नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होता है, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स होता है। दोनों एंड देखो, ये पिक्चर देखो, ये वाला पिक्चर, दोनों एंड देखो टेपरिंग एंड है कि नहीं, दोनों तरफ देखो बेटा तेजेश्वर बाबू, दोनों तरफ टेपरिंग एंड है, और भीतर में सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है देखो, और यहाँ पे बेंड मार्क एब्सेंट है, लाइट बेंड डार्क बेंड यहाँ पे प्योरली एब्सेंट है देखो, है ना। अरे ये सुनो रे, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स में, वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आईबीपी एग्जांपल ऑफ ब्लड वेसल, स्टोमक और इंटेस्टाइन, ठीक है ना बेटा, याद रहेगा सभी को। और ये ज्यादा करके आपको देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होता है स्मूथ मसल्स में, और कुछ सर्कुलर लेयर भी होते हैं देखने को मिलते हैं स्मूथ मसल्स में। दो टाइप का लेयर, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर देखने को मिलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ मसल्स इज दैट इज कॉल्ड द व्हाट, कार्डियक मसल्स। व्हाट इज कार्डियक मसल्स? इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। ये ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये वाला पिक्चर दिख रहा है ना बेटा सभी को, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है ना, इधर क्या है बेटा राइट एट्रियम है ना, और इधर क्या है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर क्या है बेटा राइट वेंट्रिकल है। फोर चेंबर होता है ना हार्ट में, ह्यूमन हार्ट। यस सर, नो? यस सर, है ना, यस सर। चार चेंबर होता है, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होता है, हार्ट में देखने को मिलता है, कंट्रैक्टाइल मसल्स भी कहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं इंटरकैलेटेड डिक्स होता है, इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए प्रेजेंट होता है ये इंटरकैलेटेड डिक्स। इकोला कोलाटा देखो, जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल, दुईटा सेल रो जंक्शन रेट जब, इटा इंटरकैलेटेड डिक्स है, कहना इंटरकैलेटेड डिक्स। इथे भी बेनमार्क थीसी, स्ट्रिएशन मार्क, न्यूक्लियस का सेंट्रल रिप्रेजेंट थीसी, और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और ये हार्ट में, हार्ट की वॉल में आपको देखने को मिलेगा, और ये ब्रांचिंग होता है यहाँ पे इंटर, ये वाला देखो माइक्रोस्कोपिक व्यू वाला डायग्राम है, ये देखो माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये इंटरकैलेटेड डिक्स है, दिस इज इंटरकैलेटेड डिक्स। और यहाँ पे ब्रांच वाला मसल्स फाइबर्स होते हैं, और ये भी इनवॉलंटरी है, स्ट्रिएटेड मसल्स है। क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स।